तो गाइस जैसा कि मैंने तुम सभी को कहा था, आज अपन लोग जो है रोड टू लाफ्टेल सीरीज को कवर करेंगे। ये पार्ट वन है और यहाँ पर जो जो चीजें हुई मैं उन सभी मेन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करूंगा। वैसे ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को, जो चीज बताया वही चीज बताना है। स्टार्टिंग के दो पेज बस कवर पेज है, थर्ड पेज से स्टार्ट करते हैं बिकॉज थर्ड पेज में हमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है। पहले जो है आता है रोड टू लाफ्टेल जो कि इसका हेडलाइन में लिखा हुआ रहता है, प्लस क्या क्या हमें पेजेस में देखने को मिलेंगी वो चीजें भी दिखाई गई है। और हाँ, लेफ्ट में रॉजर का वो लाइन व्हाइट बियर्ड के साथ कन्वर्सेशन लास्ट वाला, जहां पर कहता है दिस माइट बी द लास्ट टाइम वी विल एवर मीट व्हाइट बियर्ड। और क्या ये सच निकलता है? जहां तक मेरे को याद है, रॉजर व्हाइट बियर्ड को लास्ट टाइम विल ऑफ डी के बारे में बताता है, वो वाला उसका फाइनल कन्वर्सेशन होता है बिकॉज रॉजर वन पीस को खोज लेता है, उसके बाद भी जाकर के व्हाइट बियर्ड से मिलता है। ये हमें मरीनफोर्ड आर्क में बताया गया है। ये वाला जो कन्वर्सेशन था ना, ये वाला उस वक्त का है जब रॉजर और व्हाइट बियर्ड का क्लैश हुआ था। इसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 4 की तरफ बिकॉज पेज नंबर 4 में हमें जो है बहुत सारी चीजें जो है मालूम पड़ती है, प्लस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी दिया गया, मतलब लिखा हुआ है द ग्रेट पायरेट एरा स्टार्टेड विद द फाइनल वर्ड्स ऑफ द किंग ऑफ द पायरेट, वो इंसान जिसने हर वो चीज हासिल किया था और उसने जो है पूरी दुनिया को उस चीज को ऑफर कर दिया और उसके बाद हर कोई उस चीज को हासिल करने के लिए निकल पड़ा, बहुत सारे ब्रेव वॉरियर्स निकल पड़े। अब हाँ, जिस किसी को भी नहीं पता ये कितने साल पहले हुआ था, तो अभी जो वन पीस का करंट टाइमलाइन चल रहा है उससे करीब 25 साल पहले रॉजर ने वो ग्रेट लाइन बोला था, अगर तुम्हें मेरा खजाना चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम्हें इसे खोजना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें पूरी दुनिया खंगालनी पड़ेगी, जाओ जाके खोज लो, ये तुम्हारा है। वैसे अभी तक जो कुछ भी मैंने बोला ना, इसके अलावा मुझे दो और लाइन जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जैसे द बर्थ ऑफ द नेक्स्ट पायरेट किंग इज नियरली ओपन अस, और ये जो है पूरे वन पीस के मांगा या एनिमे में कहीं पर भी ये लाइन बोला नहीं गया है, ये मतलब वन पीस के जो ऑथर है उनके तरफ से ही दिया गया है। साथ ही साथ काइडो और लुफी का फाइट वाला कन्वर्सेशन, जहां पर काइडो कहता है हूएवर विंस गेट दैट मच क्लोजर टू किंग ऑफ द पायरेट। वैसे इस वाले पेज में ना रॉजर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, ग्रेट पायरेट किंग के ऊपर फोकस किया गया और इसके बाद वाला जो पेज है उसमें भी पायरेट किंग के ऊपर ही फोकस किया गया है। इसमें उसके पूरे एज को बताया गया है कि जो भी उसने काम किया उस वक्त उसकी एज कितनी थी। जैसे पेज नंबर 5 में सबसे पहले स्टार्ट होता है आज से 77 साल पहले 31 दिसंबर को रॉजर पैदा हुआ था। इसके बाद रैली और रॉजर किस साल मिले थे, मतलब रॉजर उस वक्त कितने साल का था, वो चीज हमें अभी तक नहीं बताया गया, बट हाँ रॉजर के स्ट्रॉ हैट पे फोकस देना। ये स्ट्रॉ हैट मैंने बहुत लोगों के ऊपर देखा और तुमने भी बहुत लोगों के ऊपर देखा है। लूफी, सैंक्स, किस तरह से रॉजर से सैंक्स को पास हुआ और सैंक्स ने लूफी को दिया। इसके बाद हमें बताया जाता है आज से 39 साल पहले जब रॉजर 38 साल का था, उस वक्त वो लॉर्ड स्टार आइलैंड गया था, जहां पर उसको जाने के बाद ये मालूम पड़ा था कि ये वाला लास्ट आइलैंड नहीं है, लास्ट आइलैंड जाने के लिए कुछ और तिंगड़प लगाना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि लॉर्ड स्टार आइलैंड क्या है। देखो ये एक ऐसा आइलैंड है ना जहां पर तुम लॉग पोस्ट से जा सकते हो और ये फाइनल आइलैंड है लॉग पोस्ट से जाने के लिए, लेकिन ये वाला फाइनल आइलैंड नहीं है, फाइनल आइलैंड तो यार लाफेल है, जहां पर तुम्हें जाने के लिए चाहिए चार रोड पॉनिक्लिस। इसके बाद आता वन पीस के करंट टाइमलाइन से 38 साल पहले जब रॉजर 39 साल का था, उस वक्त वो वाला सीन हुआ था गॉड वैली इंसिडेंट। अब गॉड वैली इंसिडेंट के ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे क्योंकि इसी चैप्टर में उसके बारे में भी बताया गया है। खैर, आज से 28 साल पहले जब रॉजर 49 साल का था, उस वक्त रॉजर और रैली आपस में बात करते हैं, वो वाला सीन याद ही होगा, आई एम नॉट गोइंग टू डाई पार्टनर, वो वाला। और आज से 27 साल पहले जब रॉजर 50 साल का था, उस वक्त हुआ था बैटल ऑफ एडवार जिसमें रॉजर और सिक्की आपस में भिड़े थे और ये मैच ड्रॉ रहा था। इसके बाद आते 26 साल पहले जब रॉजर 51 साल का हुआ, तो उसके बाद वो वाला चीजें तो हमें बताई ही गई है, उस वक्त जो है ओडेन को उसने अपने क्रू में लिया, रॉजर व्हाइट बियर्ड का क्लैश हुआ, वो वाला कांड जो है 51 साल की उम्र में हुआ आज से 26 साल पहले। इसके बाद हम लोग आते हैं आज से 25 साल पहले जब रॉजर 52 साल का हुआ, उस वक्त वो पायरेट किंग बना, उसने अपने क्रू को खत्म कर दिया, मतलब मार नहीं दिया, एंड कर दिया, एक तरह से समझो वो रिटायर हो गया। और हाँ, उसी वक्त उसने उस आइलैंड का नाम लाफ्टेल दिया जिसे हम सब जानते हैं, ये है फाइनल आइलैंड जहां पर है वन पीस।
और हाँ, उसी उम्र में ही उसने वाइट बियर्ड के साथ मिलके फाइनल बातें की थी, जहां पर वो विल ऑफ डी के बारे में लास्ट बार बताता है। और वाइट बियर्ड वो पहला इंसान होता है जिसे रॉजर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है वहां से आने के बाद। अब आते हैं वन पीस के टाइमलाइन के 24 साल पहले, जब दो लेजेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रॉजर एंड गार्प की। रॉजर खुद को जो है सरेंडर कर दिया होता है और गार्प और रॉजर आपस में वो फ्रेंडली वाला बातचीत करते हैं। और हाँ, उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है तुम सबको पता है। इसके बाद जब रॉजर मरता है, लेकिन उससे पहले वो एक चिंगारी लगा के जाता है द ग्रेट पायरेट एरा को स्टार्ट करके जाता है वो अपने फाइनल वर्ड से। इसके बाद ना इस चैप्टर में रॉजर को लेके बहुत सारे सवाल भी पूछे गए हैं जो कि अभी भी एक मिस्ट्री है, अभी तक नहीं बताया गया। सबसे पहला रॉजर और रूज का रोमांस, मतलब वो लोग एक दूसरे को कब से जानते हैं। उसके अलावा रॉजर का स्वॉर्ड एस, प्लस रॉजर अपने बेटे का नाम भी एस अपने स्वॉर्ड के नाम पे रखता है, जो कि एक तरह से उसके बाप होने का प्यार दिखाता है। इसके बाद आता है सैंक्स के फीलिंग्स को लेके, क्योंकि सैंक्स बहुत ज्यादा यार रॉजर को मानता था और लास्ट टाइम वो रॉजर के सामने रोया भी था। वो रॉजर को मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। अब वो उसके क्रू में कैसे आया, सैंक्स के बारे में भी हमें बहुत कम ही पता है, और रॉजर और सैंक्स का जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, उसके बारे में भी हमें बहुत कम ही बताया गया, मतलब बताया नहीं गया एक तरह से। बस इतना पता है वो उसके क्रू में था, सैंक्स रॉजर की रिस्पेक्ट करता है बहुत ज्यादा, बस इतना पता है। और जो फाइनल मिस्ट्री है जो अभी तक रिवील नहीं हुआ, रॉजर का ड्रीम। हम सबको पता है लूफी का भी एक ट्रू ड्रीम है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो छिपा के रखा है। और रॉजर का भी एक ड्रीम है, वो भी वो छिपा के रखा है, मतलब कुछ लोगों को बताया पर हमें नहीं बताया गया है। और ये जो ड्रीम है ना, दोनों का सेम है, लूफी और रॉजर का। खैर देखते हैं आने वाले टाइम पे जो जब रिवील होगा वो जानने को जरूर मिलेगा। पेज नंबर 6, पॉनिक्लिफ को लेकर के बातें बताई गई है। हम सभी को पता है 30 ठो जो है पॉनिक्लिफ है, जिनमें से कुछ पॉनिक्लिफ इंफॉर्मेशन वाली है तो कुछ पॉनिक्लिफ किसी जगह का लोकेशन बताती है। इस पूरे पेज में जो है उन पॉनिक्लिफ के जो है लोकेशन बताया गया है, मतलब जो जो पॉनिक्लिफ हमें जो है बताया गया अभी तक दिखाया गया, उन सभी के बारे में बताया गया कि वो कहां पर मिले। ये एक ऐसे पत्थर से बने हुए जिन्हें तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक मिस्ट्री तो रह ही गया भाई, वो एंशिएंट किंगडम का नाम। ये बुढ़ा उसका नाम बताने ही वाला होता है पर उसी वक्त टपका दिया जाता है। एक दो सेकंड बाद मारता तो शायद हमें पता भी चल जाता उस एंशिएंट किंगडम के नाम के बारे में, पर वो भी नहीं बताया जाता है भाई, बहुत ज्यादा मिस्ट्री है। अब हम सबको पता है 4 रोड पॉनिक्लिप है, जिसमें से 3 एक तरह से समझो लूफी के हाथ लगी गया है, पर एक पॉनिक्लिप अभी भी नहीं मिला है। अब देखो इनके द्वारा जो है कुछ चीजें हमें बताई गई है कि वो पॉनिक्लिप इन कुछ आइलैंड्स में हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स के नाम बताए गए हैं और इन्हीं आइलैंड्स में से किसी एक में वो रोड पॉनिक्लिप छिपा हुआ है। पहला ब्लैकबियर्ड का वो आइलैंड फुलालैंड, या कह लो आइलैंड बिहाइड। अब देखो ये आइलैंड में अगर छिपा के रखा है ना, तो बहुत ज्यादा मतलब इसके बाद ब्लैकबियर्ड वर्सेस लूफी का फाइट देखने को मिलेगा, बिकॉज लूफी एक योंको के टेरिटरी में ऑलरेडी घुस चुका है, उसको हरा चुका है, एक नहीं दो योंको के टेरिटरी में, एक का में घुस के निकल गया, दूसरे का में अभी भी है, इसके बाद थर्ड में जा सकता है अगर वहां पर है तो। इसके अलावा आइलैंड वीरा, ये एक छोटा सा कंट्री है जिसके बारे में बहुत ही कम हम लोग को पता है। अगर तुम्हें नहीं पता ये आइलैंड कौन सा है, तो देखो ये जो आइलैंड है ये पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट के कब्जे में हुई करती थी, लेकिन फिर रेवोल्यूशनरी आर्मी ने उसको वहां से छुड़वा दिया, और इसके बारे में नामी न्यूज़पेपर में पढ़ती हुई भी दिखाई जाती है। इसके बाद आते हैं एल्बाफ पे। भाई ये आइलैंड पे तो लूफी को जाना ही पड़ेगा, और ये आइलैंड पे अगर छिपा हुआ है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। वैसे इन 3 आइलैंड पे ज्यादा फोकस दिया गया बजाय दूसरे आइलैंड्स के, और हाँ दूसरे आइलैंड्स के भी नाम बताए गए हैं कौन कौन से में अभी तक स्ट्रॉ हैट पायरेट गई नहीं है, जैसे कि रिस्की रेड आइलैंड, रेजिन आइलैंड। अब ये रेजिन आइलैंड मुझे जहां तक लगता है ये वही आइलैंड है ना जहां पर हर वक्त बिजली गिरता रहता है। अब देखो इस आइलैंड पे सिर्फ लूफी जाके जिंदा लौट सकता है, बाकी कोई जाएगा तो समझदार हो यार, बाकी क्या होगा उसके साथ। इसके अलावा मिस्टोरिया आइलैंड, बलून टर्मिनल, यूकीरियू आइलैंड, भाई बड़ा ही अजीब अजीब नाम है, एम्प्टी ब्लफ आइलैंड, भाई नाम क्या दिया है ओडा ने। और जो फाइनल है एप्ले नाइल आइलैंड। वैसे यहाँ पे लॉटस्टार आइलैंड का नाम क्यों नहीं दिया, वो भी तो देना चाहिए, क्या लूफी वहाँ पे नहीं जाएगा, पता नहीं। वैसे मैं लॉटस्टार आइलैंड में क्या रखा हुआ मैं खुद जानना चाहता हूँ यार, लॉटस्टार आइलैंड जाना चाहिए। खैर देखते हैं आगे पता चलेगा ही। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म हो गया, अगर पॉनिक्लिफ कोरोड वाला जो पॉनिक्लिफ है कहीं पर है तो इन्हीं आइलैंड्स में से किसी एक में ही होगा,
और ज्यादा चांसेस तो इन तीनों आइलैंड्स में से किसी एक में होने के हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 7 की तरफ, जहां पर हमें थोड़ा जो है कुछ ज्यादा ही फोकस दिया गया रॉक्स पायरेट क्रू के ऊपर। सबसे पहला तो आता है वो जो रॉक्स का ड्रीम था किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने का, और पूरे वन पीस के वर्ल्ड में अगर कोई क्रू थी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को टक्कर देने का काम करती थी तो ये क्रू थी। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट को सच में किसी क्रू से खतरा था ना कि जाके भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट की तक फाड़ दे, तो ये वाला क्रू था। ये भाई डायरेक्ट पंगे ले सकता था। अब इसका रीजन भी क्या है, हम सबको पता है इसके क्रू में कैसे कैसे कैरेक्टर्स थे। खुद तो इसका कैप्टन रॉक्स डी ज़ेबैक, फिर इसके जो कमांडर थे ना भाई वो तो आज के टाइम पे योंको है, व्हाइट बियर्ड, लिलिन, काइडो, और हाँ एक कैरेक्टर को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिक्की द गोल्डन लायन की। इस कैरेक्टर के बारे में तो मैं अलग से वीडियो बना के बात कर लूं भाई, ये इतना ज्यादा मतलब मिस्टीरियस कैरेक्टर बना के रखा उडन वन पीस के 1053 चैप्टर में ये एक बार भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, पर चैप्टर 0 में इसको ओडा ने अलग से एक टाइम दिया। वैसे बहुत सारे लोगों ने चैप्टर 0 रीड नहीं किया है और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ चैप्टर 0 जाके रीड करना। इस कैरेक्टर के बारे में तुमको थोड़ा बहुत जानकारी होगा। भले ही वन पीस मूवी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड में इसका मजाक बना दिया गया, पर ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये कैरेक्टर हमें आने वाले मांगा चैप्टर्स में दिखेगा ना भाई, ये तबाही मचा देगा। दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी आसमान की ओर हैं, आसमान में कहीं छिपे हुए हैं और उनका आना बाकी है, एनरू और ये दो जब आएंगे बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे। प्लस ये जो बंदा है ना, ये रॉजर व्हाइट बियर्ड के साथ लड़ने का ताकत रखता था, तो मजाक का बात नहीं है। और रॉक्स के थ्रू में बस इतने ही लोग नहीं थे, कैप्टन जॉन, सिल्वर एक्स, ओचुकू। अब हाँ हम सभी को पता है ये तीनों मर चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे यार ये बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, तो हम ना इन कैरेक्टर्स को जरा भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही साथ कुछ चीजों पे और भी ज्यादा फोकस देने वाली बातें हैं, जैसे लिलिन और काइडो, खासकर तो काइडो का डेविल फ्रूट। बिग मॉम ने काइडो को उसका डेविल फ्रूट गॉड वैली में खिलाया था। प्लस इस चैप्टर में हमें ये भी बताया जाता है गार्प और रॉजर दोनों साथ में मिल करके फाइट किए थे रॉक पायरेट्स के खिलाफ सेलेस्टल ड्रैगन और उनके स्लेव्स को बचाने के लिए। इतना बड़ा क्या काम आ गया भाई, और रॉजर तक सेलेस्टल ड्रैगन को बचाना चाहता था। खैर देखते हैं आने वाले टाइम पे जो है बहुत अच्छे से जब पूरा रिवील करेगा इन सारी चीजों को ना, ये सारे डाउट्स यार क्लियर होंगे, और आने वाले टाइम पे वो गॉड वाले इंसिडेंट के बारे में भी बताया जाएगा। जिस तरह से रॉजर व्हाइट बियर्ड का भी फाइट के बारे में दिखाया गया, ये वाला फाइट भी एनिमेट होगा, मांगा में भी आएगा, जानने को मिलेगा, जिससे ये सारे डाउट यार रिवील हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। खैर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब तक का रॉक्स ज़ेबैक को अभी के टाइम पे कोई हाईली फॉलो करता है, वो है ब्लैक बियर्ड। उसने उसके सिप का नाम सेबर ऑफ ज़ेबैक रखा है। एक तरह से तुम समझो ब्लैक बियर्ड के पास रॉक्स का विल है, जिस तरह से लूफी रॉजर के विल को फॉलो करता है, ब्लैक बियर्ड रॉक्स के विल को फॉलो करता है, और आने वाले टाइम पे हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। खैर इसके बाद पूरे चैप्टर में कुछ खास था नहीं, वो बाकी चीजें तो इंपॉर्टेंट चीजें तो यार खत्म हो गई, पर हाँ स्केचेस जो है हमें रिवील किए गए वानो आर्क को लेकर के, जैसे लूफी का स्केच हो गया, नामी का स्केच हो गया, मतलब स्ट्रॉ हैट पायरेट क्रू का स्केचेस भी जो है हमें दिखाया गया, तो तुम लोग जो स्केचेस देख सकते हो, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं। और मुझे जहां तक लगता है, मुझे जहां तक कवर करना था इस चैप्टर को लेकर के मैंने कर दिया। और तुम लोग को वीडियो को लाइक करना करो, नहीं करना मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करना करो, वो तुम्हारा मन है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और कल जो है हम लोग पार्ट 2 को भी कवर करेंगे, और उसके बाद पार्ट 3 पार्ट 4 भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। और हाँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।